सेवन से है। मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको, जैसे राजीव सर अभी खड़े हुए थे बोल रहे थे कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैंने की है, मैं थोड़ा सा आपको जो है उसके साथ डिफरेंस करके दिखाता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हमने अभी साहब को खड़ा करके पूछा कि आपकी अपने काम में इन्वेस्टमेंट क्या है, उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट बताई थी, 1 करोड़। इन्वेस्टमेंट हाई है कि लो है? हाई है। बोलो, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। आरसीएम में इन्वेस्टमेंट क्या है? जीरो। आरसीएम ज्वाइन करने के लिए कोई किला गिरवी रखना पड़ा? नो। क्या करना पड़ता है? सामान लेना पड़ता है। आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ, एक मुस्कुराती हुई फोटो। मेरे को एक बात याद आ गई कि 1 सेकंड मुस्कुराने से अगर फोटो अच्छी आ सकती है, हर समय मुस्कुराने से आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हाई है, आरसीएम में इन्वेस्टमेंट जीरो। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट हाई है वहां जोखिम भी ज्यादा है। बोलो मेरे साथ, जोखिम कम है कि ज्यादा? ज्यादा। आरसीएम में जोखिम क्या है? जीरो। जीरो। आप टूथपेस्ट लेके आए आरसीएम का, आपको घर आते ही पता चला कंपनी भाग गई, आपका क्या लेगी? पैसे दिए पेस्ट देगी? yes. जान लोगे उसकी? कोई सिक्योरिटी रखवाई आपसे? नो। 10-20 लाख रुपया कोई सिक्योरिटी रखवाई? नो। एक प्रोडक्ट की डीलरशिप अगर आपको खनोरी की लेनी है तो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। एम आई राइट? यस। 400 प्रोडक्ट की डीलरशिप आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट दी जाती है। यस। ऑल ओवर इंडिया का आपका हैवी लाइसेंस बनता है। हैवी लर्निंग हम बढ़ाते नहीं किसी। रनिंग कॉस्ट, ट्रेडिशनल बिजनेस में रनिंग कॉस्ट हाई है। मतलब अग्रवाल साहब, जो आपने दुकान खोल रखी है, करोड़ों रुपया लगा रखा है, जो स्टाफ रख रखा है, उसका खर्चा कौन देता है? आप ही देते हो ना। यहां रनिंग कॉस्ट क्या है? लो है। रनिंग कॉस्ट क्या है कि आप जैसे ही वेन्यू के अंदर आने लगे, एक आदमी ने आपका चालान काटा होगा बाहर। कितने रुपए लिए? 100 रुपए का एक इंजेक्शन आपको बाहर दिया गया। दुखा तो नहीं? नो। दर्द तो नहीं हो रहा? नो। कुछ लोगों का दर्द नहीं, कुछ का सूज नहीं, कुछ का पक जाता है। रनिंग कॉस्ट ये है बस। आप आए घर से, आपने टिकट लिया, अंदर बैठ के, बस दैट्स ऑल। ये रनिंग कॉस्ट है। ये ज्यादा है? नो। पूरे साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 1200 रुपए निकाल के अलग रख दो। हर महीने एक सेमिनार अटेंड करो। अमिताभ बच्चन की इतनी फिल्में देखने से आप अमिताभ बच्चन नहीं बने, लेकिन आरसीएम की 12 टिकटें खरीद के आप प्रमोद गुलाटी की जगह खड़े हो सकते हैं। साहब को देनी पड़ती है। यहाँ मैन पावर अनपेड है। आप सब लोग हमारी टीम से हैं। हमने कभी आपको कोई पैसा दिया? नो। ना ही आगे उम्मीद रखना। क्योंकि यहाँ सिस्टम है। यहाँ सबको पैसा कौन दे रहा है? सिस्टम। सबको पैसा कौन दे रहा साहब? सिस्टम। सिस्टम और नॉलेज यहाँ आपको खुद को लेनी पड़ती है। यहाँ नॉलेज कौन देता है? सिस्टम। ये मीटिंग क्या है? सिस्टम। ये मीटिंग क्या है सर? सिस्टम। मतलब आपको सिस्टम के अंदर आना है। सिस्टम आपको कामयाब करेगा। अगर आप अपने सिस्टम चलाओगे फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो कपूर वाली बात है, तेरा क्या होगा अकाली। आप अपने सिस्टम अपने को नहीं चला रहे। किसके सिस्टम से चलना है? जो व्यक्ति फेल है वो अपने सिस्टम की वजह से फेल है। यस। और जो व्यक्ति कामयाब है वो इसके सिस्टम की वजह से कामयाब है। सिस्टम ना चलाएं। ज्वाइन हुए जनवरी में, जो लोग ज्वाइन हुए
एक 5-7 घंटे की डिप्लोमा क्लास है उसको जरूर अटेंड करें, अपने सीनियर के साथ बैठ के कंसल्ट करें कि डिप्लोमा क्लास कब है। 20-25 आदमी उस क्लास में हम लोग लेते हैं और उसके हिसाब से जो है पूरा अटेंड करते हैं, क्योंकि आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक सिखा नहीं सकते, सीखना अपने को पड़ेगा, तभी हम सिखाने वाले बनते हैं। आगे वर्किंग आवर्स 24 घंटे है, यहाँ वर्किंग आपकी बढ़ती जाती है। मैं ज्वाइन हुआ मेरे पास 24 घंटे थे, मेरे साथ में 10 लोग और आ गए, 10 के 10 लोग 2-2 घंटे काम करते हैं, तो कितने घंटे हो गए? 20 घंटे हो गए। 20 घंटे जब हो गए तो 20 घंटे किसके लिए काम हो रहा है? मेरे लिए भी हो रहा है। अब मेरे नीचे 50,000 आदमी हो गए, 2-2 घंटे एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो 1,00,000 घंटे रोज काम हो रहा है। पॉइंट को पकड़िए आप। Yes. परमात्मा ने कितने घंटे दिए हैं? 24। काम कितने घंटे हो रहा है डेली? 1,00,000। अगर आपका टाइम आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। अंग्रेज देखे आपने इंडिया में? Yes. अंग्रेज देखे, अंग्रेज Yes. हिंदुस्तान घूमने आते हैं? Yes. अंग्रेज हिंदुस्तान घूमने आ रहा है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान भी नहीं घूम पा रहा है। अपने यहां घूमने की कम जगह है क्या? बहुत जगह है, बहुत है, बड़ा पड़ा है इंडिया, लेकिन घूमना तो चाहते हैं, हाल नहीं है। आप अपने दोस्त को पूछो 10 दिन के लिए शिमला चलना है, पहले तो बोल देगा टाइम, अगर कोई काम करता होगा तो बोल देगा टाइम, अगर खाली रहता होगा तो ये बोलेगा चल खर्चा तेरा। ट्रेडिशनल करोड़ लगाने के बाद भी इनसिक्योर है आदमी, और आज सीएम बिना कुछ लगाए फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। सुरेंद्र वत्स साहब के लिए एक बार तालियां होनी। सुरेंद्र वत्स साहब हमारे बिजनेस के डायमंड हैं। 2 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई उनके साथ में, उन्होंने जो बातचीत जो हमारी उनके साथ रही, बड़ा अचंभित हुआ। सुरेंद्र वत्स साहब ने बोला कि आज की डेट में मैं अपनी मैडम को सिर्फ 1,00,000 रुपया जेब खर्ची देता हूं। कितनी जेब खर्ची देते हैं? सिर्फ 1,00,000 रुपया। उन्होंने बताया मेरे को सुबह नहाने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं नहाने में। मैं कहता सर डायमंड हमारे बिजनेस, मैं कहता सर ऐसा क्या नहाती हो, हम तो 10 मिनट में निपट लेते हैं ज्यादा। तो उन्होंने अपने बाथरूम में जकूजी लगवा रखा है, एक मशीन होती है उसमें आदमी को सिर्फ अंदर जाना है, बाकी सारा काम मशीन का, कहीं से ठंडा फुहारा लगेगा कहीं से गर्म लगेगा, गाने वाने चल रहे हैं बीच में आप रिलैक्स रहते हैं, साबुन भी वही लगाएगी। मतलब कोई मेल फीमेल नहीं है, मशीन है। फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं बात उस आदमी की कर रहा हूं जो व्यक्ति JCN जीन केबल नेटवर्क के एक समय पे कनेक्शन किया करते थे, आज वो व्यक्ति हिंदुस्तान में RCM का एक बहुत बड़ा लीडर है, RCM का डायमंड है, महीने के 25,00,000 रुपए से ज्यादा कमाता है। कितने लाख? 25,00,000। आदमी तो सुन हो गया। पच्चीस लाख रुपया बड़ी बात नहीं है, हिंदुस्तान में करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं लोग, लेकिन बड़ी बात उस काम से है जहां आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है। बात सही बोल रहा हूं साहब? एक ऐसी इंडस्ट्री जहां आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है और इनकम आपकी बहुत हो सकती है। बोलो ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? अगर वो 25,00,000 रुपया किसी दूसरे काम से कमाते तो रात को नींद वाली गोलियां खा के सोते। यस सोते कि नहीं? यस
बीपी भी पिछले महीने का खत्म नहीं हुआ, अगले महीने फिर आ गया। सुरेंद्र वत्स साहब ने मेरे को बताया कि आजकल मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, जिस ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि आप पैसा खर्च कैसे करें। आरसीएम में एक टाइम पे आके आप इतने फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि नोट कहा फूकू। समझ में आई बात आपको? देसी एक टाइम पे आके ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं। बोला कितने लोग ऐसी सिचुएशन में आना चाहते हैं? यस यस। खड़े रखना हाथ में, जरा देखूं कौन कौन रह गया। मर गए तब भी आएंगे। लेकिन आरसीएम आपको इनकम देता है आपकी टीम की रिटर्न्स की। किसकी रिटर्न की साहब? खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, आपके पास पैसा आएगा। क्यों? आप खत्म हुए हैं, आपकी टीम खत्म हुई है। सतीश पंडित जी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सतीश पंडित जी आरजीएम बिजनेस में आए, 2002 में काम करना शुरू किया, नेटवर्क बनाया। एक अनहोनी घटना घटी, हार्ट अटैक आया, साहब को इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी उनकी टीमें काम कर रही हैं। सतीश पंडित साहब के घर पे आज भी पैसा जा रहा है। ओपी शर्मा साहब राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट थी उनकी। जब मैं ज्वाइन हुआ तो हमें वो 15-15, 20-20 लोगों की मीटिंग देने के लिए आया करते थे। ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट, दिमाग हमारा खराब होता था, इस आदमी को क्या जरूरत है। ज्वाइंट डायरेक्टर एक ऐसी पोजीशन जिसके कमरे में घुसने के लिए भी बाहर पर्ची देनी पड़ती है। छोटी छोटी मीटिंग हमारे साथ किया करते थे, हमें पता नहीं था कि व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक समय आया, ओपी शर्मा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनका बेटा स्टार डायमंड है। क्या है? स्टार डायमंड। अभी जिस शख्स की मैं बात बता रहा था आपको, 25 लाख, वो डायमंड है। और डायमंड से भी ऊपर वाले लेवल पे है उनका बेटा स्टार डायमंड, जिसका लाइफस्टाइल अनोखा है, जो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है, जो जब चाहे जहां चाहे जिस चीज पे हाथ रख दे उसको खरीदने की हिम्मत रखता है, वो होता है आरसीएम का स्टार डायमंड। एक्सपेंशन विस्तार जो है, खनोरी में अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया तो आप खनोरी में ही फैला सकते हो, लेकिन आरसीएम आपने खनोरी से शुरू किया, ऑल ओवर इंडिया आप इसको फैला सकते हो। yes, हर जगह हम आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। हर जगह, हर जगह। तू जहां जहां चलेगा मेरा साथ हम आपके साथ खड़े। लेकिन बहादुर का सब सहारा, निर्बल का कोई। अगर आप भी पहले जाने के लिए तैयार नहीं हो, पहले तो पहला कदम तो आपको रखना पड़ेगा। रखने के लिए तैयार हैं? yes! हम आपके साथ खड़े हैं। ऑल ओवर इंडिया जहां भी आप जाएंगे हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। एफर्ट जब तक आपकी बॉडी अलाउ करती है तब तक आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस कितने साल आपने करना है? दो से पांच साल कर सकते हैं। yes! दो से पांच साल, रुक रुक के नहीं, सोच सोच के नहीं, करूं कि ना करूं ये नहीं, घर से निकलूं बाहर के ना निकलूं ये नहीं, फिर तो कई साल लग जाएंगे। डेली वर्क करना पड़ेगा अगर अपनी कई पीढ़ियां सेट करनी है तो। करनी है? yes! फिर आपके बच्चे पोते पड़पोते लक्कड़ पोते कक्कड़ पोते कुक्कड़ पोते आपके, वो देसी घी की अखंड ज्योत आपकी फोटो के आगे लगेगा और कहेंगे मेरे आरसी वाले दादाजी। बोलो बनना चाहते हो? yes! बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करना तो पड़ेगा। पंजाबियों में कहावत है, आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। अच्छा, पड़ोसी के मरने से आप स्वर्ग चले जाओगे? no.
वर्किंग, नो वर्किंग नो इनकम ट्रेडिशनल मार्केट में, या 5 साल वर्किंग लाइफ टाइम इनकम, जो मैंने एग्जांपल दिया मॉर्निंग वॉक पे जा रहा 9:30 बजे, वो क्या है? 5 साल मैंने खूब जम के काम किया, 2007 में स्टार रूपी निकाल के साइड में कर दिया। बोलो बोलो बोलो, 5 साल मेहनत कर सकते हो? Yes. कसम खाते हो? Yes. किसकी? खतरनाक आदमी मैं अमृतसर में प्रोग्राम दे रहा था, तो मैंने पूछा कि कसम खाते हो? लोग बोले यस। मैंने कहा किसकी? कितने आप? नो वर्किंग नो इनकम, 5 साल वर्किंग लाइफ टाइम इनकम। बोलो लाइफ टाइम इनकम चाहिए? यस। 5 साल खत्म, खतरनाक काम कर सकते हो? यस। पक्का? यस। पीछे पक्का?